अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला मेरा पॉइंट है आज का, वज़ू के बाद अपने बदन पोंछते थे। ठीक है, यानी कि किसी कपड़े से पोंछना। अब ये भी लोग को सवाल कर लेते हैं कि जी वज़ू के बाद कपड़े से पोंछा जाए या ना पोंछा जाए। तो चलें हदीस से देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हदीस आयशा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कपड़ा था जिससे आप वज़ू के बाद अपना बदन पोंछते थे। ठीक है, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत दुरुस्त नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाब में कोई भी रवायत सही नहीं। ठीक है, अबू मुआज़ सलीम बिन अरकम मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है, इस बाब में मुआज़ बिन जबर रज़ियल्लाहु अन्हा से भी रवायत है। ठीक है, इससे अगली हदीस जो है अरवा से मरवी के आप सल्लम के लिए कपड़े का एक टुकड़ा था जिससे वो वज़ू के बाद पानी खुश किया करते थे, यानी कि उनको जिस्म के ऊपर लगा लेते थे। अब यह देखें, इसका सर्दियों के अंदर भी आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, और गर्मियों के अंदर तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, लेकिन सर्दियों के अंदर हो सकता है ताकि लोग जो हैं वो बीमार ना हो। ठीक है, अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, दरगुजर फरमाए, और हम सबको हदायत सिरातुल मुस्तकीम नाम तुम्हारे रास्ते पर चलाए, और बुराइयों से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह पाक हमें पनाह अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।